दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने आपको फोटोशॉप का एक ट्यूटोरियल भी दे रहा हूँ, मतलब कि आपको फोटोशॉप के बारे में आपको कुछ वीडियो दे रहा हूँ धीरे धीरे करके। इससे पहले मैंने आपको दिया था फोटोशॉप में ज्वाइंट फोटो कैसे बनाएं, दो अलग अलग फोटो को एक ज्वाइंट फोटो, प्रोफेशनल ज्वाइंट फोटो कैसे बनाएं, जिस तरह फोटो स्टूडियो में बनाए जाते, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था फोटोशॉप की एक और वीडियो मैंने आपको दिया, जिसमें मैंने आपको बताया था पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो कैसे बने और अच्छा सा किस तरह उसकी हाई, मतलब कि हाई क्वालिटी दे, अच्छा सा फ्रेम दे, अच्छा सा फ़ोटो को क्लियर करें। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज का फ़ोटो कैसे बनाएं। इसी तरह मैंने आपको फोटोशॉप के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहा हूँ और इसी तरह की आपके नॉलेजफुल जानकारी और आपके हर काम की वीडियो यहाँ पे आपके लिए लाते रहता हूँ, या ऑनलाइन रिलेटेड हो या ऑफलाइन रिलेटेड, या आपके किसी भी फायदे वाले वीडियोज़ हो, मैं आपको इस चैनल पर लाते रहता हूँ। और मैं आपको इस चैनल में किसी भी तरह का फेक वीडियो नहीं देता हूँ, आप लोग को पता ही होगा। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे जब फोटोशॉप ओपन करते हैं, तो चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक फोटोशॉप, इस फोटोशॉप को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जैसे हम फोटोशॉप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का एरर आ जाएगा, यहाँ बता रहा है कि ये ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है जब फोटोशॉप हम किसी कारण किसी तरह अदर तरीके से या किसी भी फ़ोटो को ओपन करके किसी भी तरीके से ओपन कर लेते, ओपन हो जाता है, ओपन हो जाने के बाद, लेकिन देखिए मैंने ये ओपन किया, ठीक है। ये ओपन हुआ, क्यों ओपन हुआ, क्योंकि मैंने एक फ़ोटो को ओपन किया है, उस फोटो के साथ ये ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं डायरेक्ट इसे ओपन कर रहा था तो ऑलरेडी बता रहा था। ये भी आपकी जगह तो एक बार में नहीं होगा, अगर आपकी प्रॉब्लम, आप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार नहीं, अगर 10 बार 15 बार अगर आप इस तरह ओपन कीजिएगा, फ़ोटो पर क्लिक करके ओपन विथ में जाकर एड ऑफ फोटोशॉप को सेलेक्ट कीजिएगा, तो एक बार नहीं 10-15 बार क्लिक कीजिएगा तब आपको ये फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर फोटोशॉप ओपन तो हो गई, अब हम यहाँ पर सेव जो करेंगे, किसी भी इमेज को हम बनाएंगे या किसी भी इमेज को एडिट करेंगे, तो एडिट करने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे कि ये देख पा रहे हमारे पास ये इमेज, हम क्या करना चाहते हैं इसको सेव करना, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इनको कुछ नाम देकर यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो ये देखिए सेव नहीं हो रहा है, सेव जब कर रहे हैं तो इस तरह का एक एरर दे रहा है कि ऑलरेडी यूज। तो इसके बारे में, इसका क्या सोल्यूशन है, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि फोटोशॉप में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे बहुत आई और उसके कारण मैं बहुत परेशान भी हुआ, लगभग कई महीनों तक हमें इस प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हमें समय नहीं मिल पा रहा था इस प्रॉब्लम के बारे में वीडियो बनाएं और इस प्रॉब्लम को दूर करें। तो किस तरह दूर करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम की स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, सिस्टम के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल आ जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोग्राम है और यहाँ पे अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, तो अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी सारे प्रोग्राम हैं वो सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कीबोर्ड से एस प्रेस कर देना है, तो जैसे एस प्रेस करेंगे ये वाले सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ जाएंगे। इसे हम बराबरी करके आपको दिखा देते हैं, देखिए एस वाले, ये वाले जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारे सिस्टम इंस्टॉल है इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको अनइंस्टॉल करेंगे इस सॉफ्टवेयर के। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर का लोगो देख सकते हैं, जैसे आप एस ई जी सर्च करेंगे तो वैसे ही ये आपको शो कर जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देंगे, नहीं तो राइट साइड क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल एंड चेंज भी क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देना है और इस सॉफ्टवेयर को जिसे आप डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद ये सॉफ्टवेयर कहेगा आपको कि रीस्टार्ट करने के लिए अपने सिस्टम को, तो आपको उसी वक्त अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है, ताकि जो भी आपके इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है वो फ्रेश हो जाए, वो साफ हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम थोड़ी सी यहाँ पे वेट कर लेंगे, जब तक ये डिलीट हो नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रीस्टार्ट नो है, एक रीस्टार्ट लेटर, अभी करेंगे रीस्टार्ट, रीस्टार्ट नो पे क्लिक करें, अगर रीस्टार्ट लेटर करेंगे तो बाद में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेता हूँ, उससे पहले मैं इस वीडियो को सेव कर लेता हूँ। तो जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप देगा, वहाँ पे यस या नो करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर देना है,
यहाँ पे आप एंटीवायरस को डबल टिक लगाएंगे दोनों बॉक्स में, उसके बाद अनइंस्टॉल बटन भी क्लिक करेंगे और इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम से हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये 100% तक यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हम 100% इन्हें होने देते हैं, वेट कर लेते हैं। जब तक ये 100% नहीं होगा तब तक हम इसे क्लोज नहीं करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम से हम क्या करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, मतलब कि डिलीट कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये डिलीट होने में आपसे कुछ समय ले सकता है, 5 मिनट तक आपसे ये समय ले सकता है। जब आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ओके बटन पे हमने प्रेस कर दिया, यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए एक ब्राउज़र ओपन हो चुका है ऑटोमेटिक। अब देख लेते हैं इस ब्राउज़र में क्या दिखाता है। तो ब्राउज़र में कुछ इस तरह यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम इन्हें कर देते हैं 0 और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मांग रहा है, मतलब कौन सा कर। तो यहाँ पे ये मतलब कि सर्वे करते हैं अपने इस सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे आप इनको सर्वे दे भी सकते, नहीं तो इन्हें क्लोज भी कर सकते हैं। अब चलिए हम फिर से जाते हैं स्टार्ट में और यहाँ पे कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, स्टार्ट प्रोग्राम पे जाएंगे और उस सॉफ्टवेयर को देखेंगे है अभी हमारे सिस्टम में या डिलीट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सिस्टम से वो डिलीट हो चुका है। अब देखिए फिर से जाते हैं यहाँ पे फोटोशॉप को ओपन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटोशॉप डायरेक्टली ओपन हो गया है, ना ही किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने जैसे यहाँ पे क्लोज भी करेंगे, क्लोज भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं फोटोशॉप को ओपन करूँगा, ओपन हो गया। फिर से यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, फिर से यहाँ पे ओपन करेंगे। कई बार मैंने ओपन किया, कई बार मैंने इन्हें क्लोज किया, लेकिन यह ओपन हो रहा है। चलिए मैं एक बार फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए कई बार मैंने ओपन किया, फिर से ओपन किया, ये फटाफट ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक इमेज ले लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज ले लिया हूँ, इस इमेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इनको क्रॉप भी कर लेते हैं, क्रॉप भी कर लिए। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक फाइल का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके भी क्लिक करेंगे। तो सेव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया और ना ही हमें फोटोशॉप ओपन करने में आया। क्या हम क्लोज करेंगे और जो आप एक चीज़ याद रखिएगा, अब जो पर डे काम कीजिएगा इस पर उसका जो हिस्ट्री डिलीट कर दीजिएगा। हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको फोटोशॉप के राइट साइड क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको नीचे में फोटोशॉप का एक आइकन है, आइकन पे क्लिक करेंगे राइट साइड, कुछ इस तरह यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी अपने वर्क के वो सारे यहाँ पे आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको रिमूव फ्रॉम लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, इनको डिलीट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो फोटोशॉप है वो अच्छे से काम करेगा। यहाँ हिस्ट्री ज़्यादा रहता है फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ये करने लगता है। तो ये हिस्ट्री को आप डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। और जो ओपन करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था, सेव करने में प्रॉब्लम हो रहा था, हमें भी बहुत इसका सामना करना पड़ा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने कई बार आपके सामने यहाँ फोटोशॉप ओपन किया, फोटोशॉप क्लोज किया, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फिर से मैं ओपन कर लेते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों हमारे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।